साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फेलर स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी टीपीएससी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जो हमारा एक कोर्ट केस था उज्जला वाले प्रसंग पर 11 अगस्त को, उसका जो टेंटेटिव डेट पहले दिखा रहा था वो 22 अगस्त दिखा रहा था, लेकिन दोबारा से इसकी सुनवाई कल ही होगी, मतलब 11 अगस्त को ही इसकी सुनवाई होने वाली है। इसकी टेंटेटिव डेट 11 फिक्स कर दी गई है और ये जो नंबर है जो सुप्रीम कोर्ट में जो ये कोर्ट केस लगा हुआ है वो 60 नंबर पे फिक्स कर दिया गया है। तो आपकी सुनवाई कल होने वाली है। अब देखो, संभवतया इसकी सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि 60 नंबर कोई ज़्यादा नहीं होता, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये उज्जला वाले प्रश्न पर है, ये एआरटी लाभ के लिए है। इसमें जो उज्जला वाला प्रश्न था उसमें ए ऑप्शन और डी ऑप्शन के चक्कर में इस हमारा कोर्ट केस किया गया है। अब देखो, इसी का एक बार आप स्टेटस देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कोर्ट केस कितने नंबर पर लगा हुआ है। देखो साथियों, डायरी नंबर 24736/2023, श्री धार यादव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, डायरी नंबर दिख रहा है आपको 24736/2023 में फील्ड हुआ है। अब देखो, ये तुम्हारा 11 अगस्त को दिखाई दे रहा है। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हिमा कोहली सुनेंगे, मतलब वकील हैं अभी, और दूसरे राजेश बिंदल, तो दो वकील आपकी तरफ से हैं, मतलब लेखपाल भर्ती वालों की तरफ से दो वकील हैं। और ये आपको दिख रहा होगा सीरियल नंबर 60 पर ये लिस्ट किया गया है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये हमारा जो कोर्ट केस है उज्जला वाला, वो उसकी सुनवाई कल ही होगी और ये तुम्हारा 11 अगस्त को होगी, और आपको संभवतया 60 नंबर पे है, कोई ज़्यादा नहीं है, सुनवाई इसकी हो ही जाएगी। ठीक है, अब मालूम पड़ जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है, आगे क्या आउटकम्स निकलने वाले हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो हम तो चाहते हैं कि कल इसकी सुनवाई हो जाए और ये कोर्ट केस समाप्त हो और आपका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाए, डीबी हो जाए और आपका फाइनल रिजल्ट आके ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है साथियों, तो ये कल देखते हैं होता है क्या। और साथियों, चकबंदी लेखपाल जो हैं उसको राजस्व विभाग में संविलियन कर दिया गया है और इस चीज़ का ही हो रहा है विरोध। अब जो चकबंदी लेखपाल थे, अब वो सारे चकबंदी लेखपाल या कोई भी जो होंगे वो सारे के सारे कहाँ पहुँच जाएंगे, राजस्व विभाग में पहुँच जाएंगे, और इस चीज़ का जमकर विरोध हो रहा है। अब देखो, उधर की सीटें इधर जाएंगी तो जो राजस्व विभाग में हैं, जो राजस्व विभाग की सीटें थी वो घटेंगी, तो अब क्या जो लेखपाल भर्ती है आपकी 8085 पदों पर, तो उस भर्ती में पदों की संख्या घटेगी क्या, तो इसी बात का कंसर्न है। और इसी बात के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इस भर्ती में कोई भी पद नहीं घटाया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी पद नहीं घटाया जाएगा, 8085 पदों पर ही आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। लेकिन ये जो चकबंदी लेखपाल और को राजस्व विभाग में संविलियन कर दिया गया है, इसका विरोध बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब देखते हैं साथियों आगे। ये तुम्हारी जो लेखपाल का डीबी है वो साथियों मैंने पहले ही बताया था, तो लेखपाल का डीबी आपका सबसे पहले बात ये तो है कि लेखपाल का जो डीबी आपका या तो सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अगस्त लास्ट में आपकी इसकी कोई ना कोई सूचना मिल जाएगी, या फिर अक्टूबर में स्टार्ट होगा तो सितंबर में इसकी सूचना मिलेगी। अब देखो साथियों, जैसे UPPCL एग्जीक्यूटिव का जो रिजल्ट आया था UPPCL का, मैंने उस दिन भी बताया था 1200 कुछ लोग थे इनका रिजल्ट जारी किया गया था। अब देखो, फाइनल रिजल्ट उनका आ चुका है, अब फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं वो, और जो भी मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी कॉमन छात्र हैं UPPCL में जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो कृपया करके DB स्किप करें, जिससे कुछ छात्रों का तो भला हो गई होगा, अब 100-200 भी होंगे तो इसका बहुत ज़्यादा भला होगा। जैसे मान लो कोई बॉर्डर पे कोई छात्र है, अब बॉर्डर पे कोई छात्र है, अगर आपने DB स्किप कर दिया तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसका भला हो जाएगा, उसके घर में उजाला हो जाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। आप समझ सोच के देखिए, आपका तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं, आप तो जाओगे नहीं इधर साइड पर लेखपाल में, जब आपका जो UPPCL में हो गया है एग्जीक्यूटिव स्टैंड में, तो आप इधर नहीं जाओगे, लेकिन आपके DB कराने से उस बच्चे का नुकसान हो जाएगा। तो कृपया करके आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी साथी हमारे UPPCL में सेलेक्ट हो चुके हैं वो कृपया करके जो लेखपाल का DB है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसको स्किप करें और उन साथियों की जॉब लगने में सहायता करें जो बिल्कुल कगार पे खड़े हैं, जो बिल्कुल कट ऑफ पे खड़े हैं, तो उनकी जॉब आपकी वजह से लग सकती है। ठीक है साथियों, तो सबसे रिक्वेस्ट है
हैं जरूर से जरूर डीवी स्किप करें और करवाएं, ठीक है, जिससे क्या हो उन बच्चों का जॉब लग सके जो बिल्कुल कगार पे हैं। ठीक है साथियों, तो यही था वीडियो में जो मैंने बता दिया आपका, जो सुनवाई होगी उजला प्रश्न की वो कल ही होगी 11 को, 60 नंबर पर आपका कोर्ट केस लगा हुआ है, तो आपको कल देखना होगा कि आपको क्या होने वाला है। ठीक है, इसमें कोई रिजल्ट रिवाइज तो होने वाला है नहीं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या कहता है कोर्ट, क्या होता है इसमें, और सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।